और बड़ी तत्परता के साथ पुलिस आयुक्त ने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया। और मैं जानता हूं कि वर्दी का की सम्मान, वर्दी की प्रतिष्ठा को आप अच्छी तरह समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दिल्ली पुलिस, जिसके बारे में एक धारणा है कि दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की सबसे एक बेहतर पुलिस है, इस प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने में आप पूरी तरह से योगदान करेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और मैं जानता हूं कि पुलिसिंग का काम कितना जटिल होता है, कितना कठिन होता है। पुलिसिंग का काम केवल कठिन ही नहीं होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने अनुभव किया है, कभी कभी हमारे पुलिस के जवानों को और पुलिस के अधिकारियों को ऐसे भी अवसर कई बार आते हैं साल में, जब 10 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि कभी कभी 36 घंटे और 48 घंटे की लगातार नहीं होती। फिर भी मैंने देखा है कि बखूबी वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। थकावट रहती है चेहरे पर, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग पुलिस के जवानों की इन मजबूरियों को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, पुलिसिंग का आधा काम केवल इस बात पर हो जाता है कि हमारे पुलिस की साख और विश्वसनीयता जन सामान्य में कैसी है। यदि आपकी साख और विश्वसनीयता जन सामान्य में बनी हुई है, तो मैं समझता हूं कि पुलिसिंग का आधा काम अपने आप हो जाता है। और मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि यह दिल्ली है, भारत की राजधानी है, 2 करोड़ की जनसंख्या है, लाखों की संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन दिल्ली आती है, दुनिया के दूसरे देशों से लोग भी दिल्ली आते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से छात्र यहां पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी आते हैं, तरह तरह के डेलीगेशन भी यहां पर आते हैं। और यह दिल्ली केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इसे अन्य राज्यों से दिल्ली की स्थिति सर्वथा भिन्न है। स्वाभाविक रूप से दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। फिर भी बखूबी आप अपनी उस जिम्मेदारी का यहां पर निर्वाह कर रहे हैं।